हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास मंडल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई मतलब टीएस रहमान या फिर नोसी मैरिटाइम एकेडमी मतलब इनका एडमिशन का प्रोसेस चालू हुआ या फिर नहीं हुआ, कब चालू होने वाला है, मतलब 2021 के लिए जनवरी बैच के लिए। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाला था कि मतलब टीएस रहमान या फिर नोसी मैरिटाइम एकेडमी का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो सी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब अभी जो फिलहाल सिचुएशन है गाइस, ठीक है, मतलब ड्यू टू कोरोना वायरस अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो अभी जो फिलहाल नोसी मैरिटाइम एकेडमी है गाइस या फिर टीएस रहमान मैरिटाइम एकेडमी है, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट गाइस अभी फिलहाल आप बोल सकते हो कि ये अपना जो फॉर्म है गाइस, तो अभी फिलहाल इनके फॉर्म्स मतलब वेबसाइट पे मतलब आए हुए नहीं है, ठीक है, मतलब ये अपना फॉर्म ड्रॉप नहीं किए अभी तक, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यही मतलब एक्चुअली बात हुई थी तो गाइस टीएस रहमान में, तो अभी तो फिलहाल वो यही बोल रहे हैं कि मतलब जनवरी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मतलब 2021 की जनवरी बैच। बट अभी फॉर्म के बारे में गाइज वो प्रॉपरली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बट हाँ फिर भी बोल रहे हैं कि मतलब अभी जैसे सितंबर है तो गाइज अक्टूबर मतलब नवंबर में फॉर्म आ सकता है, क्योंकि गाइज टीएस रहमान का एडमिशन का क्या प्रोसीजर है गाइज कि मतलब जैसे जनवरी बैच के लिए एक महीने पहले फॉर्म आता है, तो उस हिसाब से देखें तो गाइज अभी टीएस रहमान का फॉर्म गाइज नवंबर तक आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज नोसी मैरिटाइम एकेडमी इंस्टीट्यूट के बारे में। तो गाइज नोसी मैरिटाइम एकेडमी इंस्टीट्यूट का गाइज क्या होता है, उनका जो प्रोसेस होता है गाइज वो 3 महीने पहले चालू होता है, ठीक है, मतलब 2-3 महीने पहले फॉर्म वो लोग ड्रॉप करते हैं। तो अभी फिलहाल तो नोसी मैरिटाइम एकेडमी का फॉर्म आया नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखो गाइज, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर जनवरी बैच गाइज ऑफकोर्स सारी इंस्टीट्यूट चालू करेगी, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो गाइज इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गाइज कि नोसी मैरिटाइम एकेडमी गाइज इतना जल्दी फॉर्म ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, ठीक है, मे बी वो भी नवंबर दिसंबर में फॉर्म ड्रॉप करते, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली आप देखोगे तो जो नोसी मैरिटाइम एकेडमी गाइज तो उनका जो फॉर्म होता है 2-3 महीने पहले ड्रॉप हो जाता है वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो फॉर्म्स नहीं है, तो इस हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि मतलब 2-3 महीने पहले की बजाय अब वो मतलब नवंबर या फिर दिसंबर में फॉर्म अपना वेबसाइट पे डाल सकते हैं, अगर जनवरी बैच में गाइस स्टार्ट हो गई ट्रेनिंग, ठीक है, न्यू बैच के लिए, जनवरी बैच के लिए, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और बाकी गाइस जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे कि मैंने जो बताया था आपको, मतलब आपका एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट था गाइस, ठीक है, और दिल्ली में श्रीराम इंस्टीट्यूट गाइस, श्रीराम इंस्टीट्यूट का गाइज मैंने आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उसके फॉर्म्स ड्रॉप हो चुके हैं गाइज, आप जाके देख सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, उनका प्रोसेस चालू हो गया गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट है गाइज, मतलब कोलकाता का हो गया, फिर दिल्ली का हो गया, ठीक है, तो सारे इंस्टीट्यूट गाइज मोस्टली के एडमिशन प्रोसेस चालू हो गए, तो बस यही दो इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उनके अभी फिलहाल फॉर्म्स नहीं आए हुए हैं, तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी है, आई थिंक आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी। सो तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो। तब तक के लिए धन्यवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।